मांडा प्रयागराज, आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का गुंबद हुआ ध्वस्त। प्रयागराज जिले में विकास खंड मांडा की ग्राम सभा चकडीहा उत्तर के पूरा में एक हनुमान जी का मंदिर है, जो कि आकाशीय बिजली गिरने से उसका गुंबद ध्वस्त हो गया एवं मंदिर में दरार पड़ गई। वहां पर कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही आकाशीय बिजली गिरी सभी ग्रामीण उस मंदिर से हट गए। नहीं तो आज कोई ना कोई घटना जरूर घट जाती। मंदिर के किनारे एक सड़क है, उसमें हमेशा पानी लगा रहता है। इस गांव के ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो कि इस पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, ना तो रोड बनवा रहे हैं। मंदिर पर जाने के लिए यही एक मुख्य रास्ता है। रास्ता सही न होने की वजह से ग्रामीण काफ़ी दुखी और परेशान हैं। इस मंदिर का निर्माण स्वर्गीय माता चरण गुप्ता एवं स्वर्गीय तुलसी देवी गुप्ता की याद में उनके पुत्र राम रक्षा गुप्ता ने निर्माण करवाया था। यह 17 वर्ष पुराना मंदिर है, जिसमें गांव के समस्त आदमी पूजा करने के लिए आते हैं। मौके पर गांव के तमाम सम्मानित व्यक्ति जैसे शिव शंकर गुप्ता, अमन पांडे और गुप्ता परिवार के लोग उपस्थित रहे। स्टार 7 TV न्यूज के साथ रिपोर्टर राम सागर। मैं राघव प्रताप सिंह, स्टार 7 TV न्यूज चैनल से। प्रयागराज जिले के मांडा विकास खंड अंतर्गत ग्राम चकडीहा में आकाशीय बिजली गिरने से हनुमान मंदिर की क्षति हुई है। वो उसका गुंबद टूटा हुआ है। मैं उस मंदिर के मालिक जो हैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। आइए आगे आइए। पूछा मंदिर बने कई साल हो गया है, बताइए मंदिर का गुंबद जो है कैसे टूटा है, बताइए। मंदिर आकाशीय बिजली गिरने से टूट गई है। 18 साल हो गया मंदिर का निर्माण हुआ है। अच्छा, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? श्री राम रक्षा गुप्ता, सनाम माता चरण। किसके स्मृति में बना है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। लीजिए माइक, बोलिए। स्टार 7 TV न्यूज के साथ रिपोर्टर राघव प्रताप सिंह।